प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ साथ कई बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसी के साथ साथ ये भी देखा गया कि स्वतंत्र देव सिंह को भी इस बार मंत्री पद दे दिया गया है और वो उत्तर प्रदेश में मंत्री बन चुके हैं। लेकिन क्या वो पार्टी की कमान उस तरह से संभाल पाएंगे, क्या वो प्रदेश अध्यक्ष बने रह सकते हैं, ये सवाल अहम हो जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि अब किसी नए प्रदेश अध्यक्ष की ज़रूरत बीजेपी को पड़ने वाली है। लेकिन अगर स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो फिर प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो किसको दिया जाएगा, कौन होगा बीजेपी में अगला उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, ये सवाल बेहद अहम है। और इसमें कहीं ना कहीं दिनेश शर्मा का नाम जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि दिनेश शर्मा डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के और इस बार उन्होंने कहीं ना कहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद को नहीं संभाला, तो ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कि पार्टी उन्हें इस बार प्रदेश अध्यक्ष बना दे और प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिनेश शर्मा को दे दी जाए, संगठन की जिम्मेदारी दिनेश शर्मा को दे दी जाए। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर इस दिनेश शर्मा नहीं तो और कौन से ऐसे विकल्प हैं जिनके बारे में पार्टी चर्चा कर सकती है, अगर दिनेश शर्मा नहीं होंगे प्रदेश अध्यक्ष तो कौन होगा। लेकिन अभी पार्टी की तरफ से इस पर कोई खुलकर बयानबाजी नहीं दी गई है और ये देखा जा रहा है कि पार्टी अभी इन तमाम सवालों से बचती भी नजर आ रही है। तो बीजेपी किसको बनाएगी अपना अगला प्रदेश अध्यक्ष, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।